सहारनपुर में देर रात दो पक्षों में पैसों के लेन देन को लेकर झगड़ा हो गया। दोनों पक्षों के लोग सड़क पर उतर गए। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो उन्होंने दोनों पक्षों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस को एक पक्ष को समझाना भारी पड़ गया। एक युवक ने पुलिसकर्मी की ही पिटाई कर दी, एक के बाद एक थप्पड़ मारे। मामला थाना जनकपुरी क्षेत्र की शांतिनगर कॉलोनी का है, जहां शुक्रवार की देर रात दो युवकों में पैसों को लेकर कहासुनी हो गई। कहासुनी इतनी बड़ी कि दोनों पक्षों के लोग आमने सामने आ गए। दोनों पक्षों में मारपीट होने लगी, जिसकी सूचना पर पुलिस पहुंची थी। सहारनपुर की थाना जनकपुरी पुलिस द्वारा दो पक्षों में झगड़े की सूचना पर पहुंचे पुलिस कर्मियों के साथ अभद्रता व मारपीट करने के मामले में तीन अभियुक्तों रोहित पुत्र बुलन, बिजेंद्र पुत्र भग्गू राम व विशाल पुत्र बिजेंद्र को गिरफ्तार किया गया। एक वीडियो वायरल हो रहा है जी, कल रात का वीडियो है। शांतिनगर एक मोहल्ला लगता है थाना जनकपुरी क्षेत्र में, जहां पर दो पक्षों के बीच में लड़ाई होने की सूचना पर वहां पर पीआरवी पहुंचती है। उसके बाद जो थाने की लैपट है वो भी पहुंचती है, और जो वीडियो में दिख रहा है कि थाने के लैपट के जो सिपाही हैं वो जो लोग वहां पर उग्र हो रहे हैं उनका वीडियो बना रहे हैं। इसी बात से उत्तेजित होकर कुछ लोगों ने जो थाने के सिपाही हैं उनके साथ बदसलूकी करी, थप्पड़ मारते हुए उसमें आदमी दिख रहा है, और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसने मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस की तरफ से मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें से आठ लोगों को नामजद किया गया है। उसके बाद उसमें तीन लोग जो मेन लोग उसमें वीडियो में हाथापाई करते हुए बसलू करते हुए दिख रहे हैं, उनको पुलिस ने अरेस्ट कर दिया। सहारनपुर में आज पुलिस लाइन से वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रोहित सिंह सजवान द्वारा पुलिस अधीक्षक नगर अभिमन्यु मांगलिक सहित एसपी देहात व एसपी यातायात के साथ यातायात माह की शुरुआत की गई, जिसमें सर्वप्रथम आज यातायात जागरूकता रैली को एसएसपी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नवंबर माह में यातायात माह का आयोजन प्रत्येक वर्ष किया जाता है, और इसी में जागरूकता व्यापक जागरूकता फैलाने के लिए और इसमें यातायात माह का आयोजन किया जाता है। इसमें सभी हमारे जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, यहाँ पर जो ट्रैफिक और पुलिस की टीमें जाकर यातायात के नियमों के बारे में, उनके अनुपालन के बारे में जागरूक करती हैं। साथ ही साथ विभिन्न रैलियों के माध्यम से और विभिन्न जो कार्यक्रम हैं उनके माध्यम से जागरूकता का प्रचार प्रसार किया जाता है। साथ ही साथ प्रत्येक दिन के हिसाब से अलग अलग जो ट्रैफिक के नियम हैं उनके इन्फोर्समेंट की कार्रवाई भी चलाई जाती है। किस दिन सीट बेल्ट नहीं लगाने वाला के ऊपर कार्रवाई, किस दिन हेलमेट नहीं लगाने वाले के ऊपर, इस तरह से प्रत्येक दिन का एक जो प्लान है वो बना हुआ है, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाती है। और ट्रैफिक हादसों में होने वाले जो मृत्यु हैं उनको न्यूनतम कैसे किया जाए, ये इस ट्रैफिक माह की जागरूकता का उद्देश्य होता है। कितने कम से कम हादसे हों, कम से कम लोगों की जान इसमें जाए, और यही उस ट्रैफिक माह का जो उद्देश्य है। और इसमें सभी पुलिसकर्मी, सभी ट्रैफिक विभाग के अधिकारी और अन्य जो ट्रांसपोर्ट विभाग है उसके लोग भी इसमें सम्मिलित होते हैं, जिससे कि ये जो कार्यक्रम है इसके माध्यम से जो अमूल्य जीवन है उसको बचाया जा सके। सर, आपके द्वारा कहा गया कि सहारनपुर में गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल के फ्लैट गुरु गोविंद सिंह मार्केट पटेल नगर पुल के नीचे खड़ी एक्टिवा स्कूटर पर चोरों ने किया हाथ साफ। प्रार्थी सरदार हरमित सिंह ने बताया कि वह पुल के नीचे एक्टिवा खड़ा कर ऊपर परिवार के साथ दीपावली मना रहे थे। सुबह जब उन्होंने अपना एक्टिवा देखा तो वह वहां पर नहीं था, जिसके बाद उन्होंने घर के सामने के मकान पर लगे सीसीटीवी चेक किए तो लगभग रात्रि 2 बजे एक युवक एक्टिवा लेकर जाता हुआ नजर आया, जिसके बाद प्रार्थी ने थाना में तहरीर देकर एक्टिवा बरामदगी की मांग की है।